इश्क या तो उसको देखा हुआ हो या उसको हर पुकारते रहो, ना देखे हुए ना पुकारे हो, क्या तो हमें इश्क है, हमें मोहब्बत है। और जब तक इश्क मोहब्बत नहीं तो नमाजें भी फजूल हैं। नमाज वो तुम्हारी नमाजों का मोहताज नहीं है, तुम कोई भी नमाज ना पढ़ो तब भी उसकी शान घटती नहीं है, उसकी शान घटती नहीं है, तो फिर ये नमाजें क्यों हैं? ये उसको तोहफा भेजते हैं, जिस तरह दरबार पे जाते हैं फूल चढ़ाते हैं और दरबार वाले को फूल की जरूरत है, ये एक तोहफा है। इसी तरह ये नमाजें उसको तोहफा भेजते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि तोहफे के साथ तोहफे में मिलावट भी साथ कुल अल्लाह खुद भी भेजी, बीवी बच्चे भी साथ भेज दिए। तेरा शाही मेरा शाही, आशिकों के दिल का माही, बन के मस्त मलंग रहेंगे। और जिस नमाज के साथ बीवी बच्चे भी जाएं कारोबार भी जाएं तो वो नमाज मुंह पे दे मारी जाती है, वही नमाज है जो मुंह पे दे मारी जाएगी। और लोग कहते हैं कि बाल से अल्लाह मिलता है, यही कहते हैं ना, हम कहते हैं बिल्कुल गलत है। अगर इबाद से अल्लाह मिले तो सब अब्दों को क्यों नहीं मिलता? ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अल्लाह इबादत से नहीं मिलता है, अल्लाह दिल से मिलता है। इबादत दिल को साफ करने का जरिया है। अगर आप इबाद से दिल को साफ नहीं कर सकते तो रब को पा नहीं सकते। जब दिल साफ हो जाएगा, एक हदीस शरीफ में कि जिस सीने में जरा भी नूर है वो दोजख में नहीं जा सकता। जब तुम हर वक्त अल्लाह अल्लाह करते रहोगे तो अल्लाह अल्लाह की रगड़ से तुम्हारे सीने में नूर आ जाएगा। जिस तरह लोहे को लोहे से निस्बत है, वो मकनातीस मामूली सी सुई को भी खींच लेता है, इसी तरह नूर को नूर से निस्बत है, वो नूर का गोला इस नूर से प्रवस्त हो जाता है और तुम्हारी रब से निस्बत हो जाती है। एक शख्स को हाजत तो ही रब को पाने की, उसको बहुत तलब थी रब को पाने की। घर में बैठ के विर्द वज़ाइफ शुरू कर दिए, 3-4 साल बाद देखा कि अंदर से तो खाली हूं। सोचा रब शायद मस्जिद में मिलता है, मैं घर में लगा रहा। मस्जिद में चला गया, 3-4 साल वहां विर्द वज़ाइफ नवाफल तलावत सब कुछ करता रहा, लेकिन अंदर जब झांका तो खाली। सोचा रब शायद जंगलों में मिलता है, जंगलों में चला गया, वहां 3-4 साल गुजारे, अंदर झांका तो खाली। फिर सोचा रब शायद दरियाओं में मिलता है, दरियाओं में चला गया, लेकिन जब अंदर निगाह डाली तो खाली। अब सोचने लगा रब पता नहीं कहां मिलता है, मैंने तो सारा तरीका आजमाया, रब नहीं मिला। सोचा मूसा अलैहिस्सलाम को कोतूर पे मिला था, वो कोतूर पे चला गया। वहां 3-4-5 साल गुजर गए, अंदर से खाली, रब का नामो निशान नहीं। मरने का वक्त आ गया, दिल में यही तजस्सुस था, घर बार छोड़ा, मिट्टी खाई, पत्ते खाए, पता नहीं रब कैसे मिलता है। आवाज आई, ऐ नादान, मैं तो तेरे घर में मौजूद था। वो बोलता है, ऐ अल्लाह किस कोने में था कि मैं तेरे दिल में था। अगर तू घर में बैठकर दिल से याद कर लेता मुझे पा लेता। इस इबादत का तल्लक दिल से है, रब से नहीं है। इबादत दिल को साफ करने का जरिया है, और जिन इबादत के जरिए दिल को साफ किया वो कहते हैं रब दूर नहीं है, वो रब अबुल वरीद है। तेरा शाही मेरा शाही, गोहर शाही गोहर शाही, बन के मस्त मलंग रहेंगे, गोहर